सभी का हमारे चैनल अविश्वास में, आपके अपने चैनल अविश्वास में स्वागत है। और हमारी दारू अभी पीछे से वहाँ चली गई है क्योंकि अभी थोड़ी सी अपसेट हो रखी है क्योंकि हमें जाना है कहीं। वो आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ गए थे और किस तरीके से हमने पूरी जर्नी को किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस यात्रा का, तो मैंने लगा ली है मेहंदी क्योंकि मेहंदी मुझे अच्छी भी लगती है। और वैसे कहते हैं कि किसी भी स्वागत को, किसी भी धाम पे जाने से पहले मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए, हाथ पैरों में ज़रूर लगानी चाहिए। पैरों में नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट हाथों में लगा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कन्नू नन्नू बैठे हुए हैं, तो इस बार हम कन्नू नन्नू को नहीं ले जा पाएंगे। तो ये हमारी दी के यहाँ पर रहने वाले हैं, तो दी के यहाँ पर कन्नू नन्नू और आनंद ताना को छोड़ करके जाएंगे ताकि वह उनकी सेवा संभाल सकें। और हमारे जेरी और क्या क्या नाम है इनके, जेरी रियो और क्रीमी और सिकी, सॉरी मुझे नामों में थोड़ा सा ना ऐसा हो जाता है क्योंकि इनके नाम कुछ मुझे डिफिकल्ट लगते हैं लेने में। तो वैसे तो मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी, तो जो ये है ना इनको सभी को है ना मैंने दाना पानी इतना डाल दिया है और हम फैन वगैरह ऑन करके जाएंगे ताकि इनको दिक्कत ना हो क्योंकि हम आने वाले हैं आज नाइट जाने के बाद कल नाइट में। तो हमारी शुन्नू भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, बैठी है। शुन्नू के डैडा भी बैठे हुए हैं और बस हम वेट कर रहे हैं हमारे भैया आने का। भैया आएंगे तभी हम निकल जाने वाले हैं और 5 मिनट में समथिंग हम निकल जाएंगे और आगे की जर्नी। सबको लगी है जोरों से भूख और हमारे को भी हालत हो गई खस्ता सभी की। अब आए हम बाबा भारती ढाबा। पहले हम जब राजस्थान से आते थे तो वहाँ से लेफ्ट साइड पड़ता था, अब हम जहाँ राजस्थान जा रहे हैं ये वहाँ के लेफ्ट साइड पड़ रहा है। तो दो बाबा भारती ढाबाज हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आने के बाद हमने कर लिया टेस्टी सा खाना ऑर्डर और जल्दी से अपनी की पेट पूजा। उसके बाद हम निकले होटल की ओर। होटल में नाइट में स्टे करने के बाद यानी कि 2-3 घंटे फिर हम निकल चले मंदिर की ओर। और यहाँ हमने गाड़ी में सारा सामान लिया। चल चलाती धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है राजस्थान में और अभी तो वैसे भी गर्मियों का मौसम है। तो यहाँ मैं शुन्नू और जो भी हमारे संग साथी सभी लोग रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं यहाँ से। वॉकिंग डिस्टेंस शायद 10 से 15 मिनट है और हम गाड़ी यहीं पार्क करके जाने की कोशिश में हैं, अगर हो जाती है तो, नहीं तो फिर गाड़ी ले करके पार्किंग में लगानी होगी। तो हम उसको चलने के बाद में बहुत सारी बड़ी मार्केट को क्रॉस करते हुए पहुंचे बाबा के दरबार। और ये मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाबा के मतलब का सामान मिलेगा, आपके गोपाल जी के मतलब का सामान मिलेगा, आपके मतलब का एक भी सामान यहाँ पर नहीं मिलने वाला है अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो। तो इसके बाद हम जाते हैं आगे बाबा के दरबार की ओर जहाँ पर कि जयकारे लगाते हुए निशान लेकर के लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर गर्मी के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया होता है, आप देख रहे हैं फव्वारों से पानी बरस रहा है, ऊपर से बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं और एसी भी लगे हुए थे ऊपर में ताकि ठंडक बनी रहे, इतनी भीड़ भाड़ में भी किसी भी भक्त को बाबा के दरबार में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी के बाद हम लोग आगे गए लाइन में और खुली ही लाइन थी ज़्यादा, मतलब इतनी भीड़ होने के बाद भी इजीली दर्शन हो गए थे। हाँ बस थोड़ा सा सब्र तो लगता है श्रद्धा के साथ साथ, है ना। तो इसी लाइन में एक प्यारी सी गुड़िया हमें मिल गई जो कि मेरी शून्य के साथ बार बार खेले जा रही थी और बार बार बता रही थी कि बाबा का दरबार आगे है और हम आगे जाने वाले हैं, आगे चलो लाइन आगे चल रही है, इस तरीके से खेलते रहे। वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भगवान को तो सब कुछ वैसे भी पता ही है, हम लोग क्या ही बताएंगे। तो इसके बाद हमने देखा एक अलग तरीके का पेड़ जहाँ पर बाबा के जो अर्जी लगती है वो नारियल यहाँ पर लोगों ने डाल रखे थे और लाइन में भी कई लोगों ने बांध रखे थे। यहीं आगे चल के बाबा के दरबार से पहले लंगर में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है राइट साइड पे, भी आपने देखा और देख भी रहे हैं। यहाँ से आप लाइन से ही दर्शन करते हुए अंदर जा सकते हैं, अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। हम बाबा के दर्शन करते हुए आगे बाहर मार्केट में, क्योंकि मैं अपने इयरिंग ले जाना भूल गई थी तो हमने मार्केट से खरीदे इयरिंग और पतिदेव ने मुझे पहना दिए यहाँ पर। उसके बाद हमने थोड़ी मोड़ी मार्केट की। यहाँ पर आपको मार्केट में रेट्स के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और मसाले यहाँ पर बहुत ही सस्ते मिलते हैं, बहुत ही सस्ते जिससे आप कह सकते हैं। तो मैक्सिमम जो गृहणी आती हैं वो भी ले जाती हैं और अपने घर वालों से भी मंगवा लेती हैं कि भाई इस तरीके से ले आना। सेंगर जो यहाँ 20-30 रुपये पाव है, वहाँ पर 250 रुपये पाव मिल रही थी। तो यहाँ पर उसके बाद हम क्रॉस करते हुए गए बरबरी कुंड जहाँ की हमने दर्शन किए। और हम नीचे इसलिए नहीं गए वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और धूप भी थी तो बच्ची को प्रॉब्लम हो सकती थी, तो हमने दूर से ही दर्शन करके बाबा के लिए मत्था टेक दिया।
इसके बाद हम लोग निकले, यहाँ पर बहुत ही सुंदर कान्हा जी के हाथ बने हुए थे बंसी धारण करते हुए। उसके बाद हमने खाई टेस्टी सी कचौरी और कड़ी, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा कड़ी डाल के और भी टेस्ट बढ़ा लिया, तो शुन्नू को भी काफी टेस्टी लगी। पहले तो शुन्नू मना कर रही थी, बट फिर कहती है कि बहुत मस्त है मम्मा। तो भाई राजस्थान आए और नमक ना खरीदा तो क्या ही खरीदा, यहाँ पर नमक बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए हमने भी थोड़ा सा काला नमक खरीद लिया। इसके बाद हम बाबा को बाय करते हुए आ गए कि बाबा हमें दोबारा बुलाएं, और हम आगे की ओर चल के आए बालाजी यानी कि सालासर बालाजी के मंदिर। तो यहाँ पर भी मार्केट को क्रॉस करते हैं और यहाँ मीराबाई जी के सुंदर से दर्शन है, वो करते हुए चौक पर हम बड़े बाबा के दर्शन की ओर। तो यहाँ आ गया है श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम, जिसमें कि अंदर आप थोड़ा सा चल करके जाएंगे और लाइनों को क्रॉस करते हैं तो आपको बाबा के दर्शन जरूर हो जाएंगे। तो हमारी शुन्ना कितनी खुशकिस्मत है ना, इतनी छोटी सी एज में सभी देवी देवता के दर्शन कर रही है और बालाजी के दरबार आ गई। वैसे तो हम लोग हर मंगलवार बालाजी मंदिर जाते हैं, हमारा रूटीन बना हुआ है, पहले हम सैटरडे जाते थे अब हम ट्यूजडे जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप मन्नत के नारियल सब लोगों ने इस पेड़ पर बांधे हुए हैं और बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन करा हुआ है, हमारे हनुमान जी को लालन पसंद है। यहाँ पर कुछ लोग हवन करवा रहे थे, आप भी टिकट अपना टोकन ले करके हवन करवा सकते हैं कॉन्टेक्ट करके। इसके बाद हम आगे की ओर जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर ग्रिल्स पर है ना कुछ क्लिप, कुछ क्लेचर जो हम बालों में लगाते हैं, रबर बैंड, कुछ कलावे, मतलब जो भी चीज़ लोगों को मिल रही थी, चुन्नी उन्नी जो भी मिल रहा था वहाँ पर मन्नत के लिए बांध करके जा रहे थे। किसी ने नारियल बांधा था, किसी ने कुछ, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम आगे लाइन की ओर गए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन चार लाइन है, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हुई जा रही थी तो हमें ये तीन चार लाइन क्रॉस करनी ही नहीं पड़ी। अचानक से जिस लाइन में हम जा रहे थे वही आगे की ओर से खुल गई और वहाँ पर हमने सीधा, आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा के दर्शन की ओर आ गए और हमने सुंदर से बाबा के दर्शन के ऐसा नज़ारा था कि मन कर रहा था कि वहीं पे बैठ जाओ और बाबा को निहारते रहो, बाबा के इस दरबार को निहारते रहो। इतना सुंदर दरबार कि मतलब मन मोहित कर देने वाला, आपकी थकान मिटा देने वाले दर्शन है ना। इसके बाद हम लोग गए तो हम बाबा के दर्शन करते हुए फिर गए आगे, तो यहाँ पर सूरदास जी, कानीबाई जी और एक ऋषि, मतलब पांच छह स्टैचू यहाँ पर बने हुए थे और परमहंस जी का भी स्टैचू था। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम मार्केट क्रॉस करते हुए कुछ खाते पीते हुए निकल चले घर की ओर। यहाँ भी मार्केट बहुत अच्छी है, आप खरीद सकते हैं बच्चों के लिए खेल खिलौने, पूजा पाठ का सामान आप खरीद सकते हैं। इसके बाद हमें लगी भूख और हम आ गए किंग्स हवेली, जहाँ पर एक अलग ही माहौल था। और भाई इसके बाद हमने खा लिया खाना, शुन्नू बोल रही है यहाँ पर राधे राधे, खाना बहुत ही अच्छा था। और लेकिन थोड़ी सी सैड भी थी मैं कि अब घर जाना है और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और हमें सती दादी मंदिर भी जाना था जहाँ के हम नहीं जा पाए। तो यहाँ का टेस्टी से खाना खाने के बाद हम निकल चले घर की ओर। और इसी के बाद आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब